अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया 2023 563 साल बाद बन रहा महासंयोग। सोना अगर नहीं खरीद सकते तो खरीद लें ये चीज। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप में मनाया जाता है और हिंदू समाज में इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। कहते हैं, वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशेषता इसके आने वाली अक्षय तृतीया के कारण हो जाता है, यानी अक्षय हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस अक्षय तृतीया का पर्व उल्लेख विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके कई लाख गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन अपनी योग्यता को निखारने और उसकी क्षमता को बढ़ाने वाले भी होता है और इसी के साथ इस दिन उपाय करने से श्री हरि नारायण विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। यह समय मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शायद यही एक मुख्य कारण है। इसी काल को दान इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम अच्छा समय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप आदि करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन को किए गए शुभ कर्म का जो फल होता है कभी भी नष्ट नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना गया है, इसलिए इसे कृतात युगी तिथि भी कहते हैं। और यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्य फलदायी होने के साथ अच्छे प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। इसी तिथि के दिन धरती पर भगवान विष्णु जी के चरणों से माँ गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग त्रेता युग की गणना भी प्रारंभ इसी तिथि से होती है और पृथ्वी पर देवताओं ने 24 रूपों में भी अवतार लिया था। इनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, तो अक्षय तृतीया की महत्ता बहुत अधिक है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उसमें बरकत भी होती है, यानी कि इस दिन को अच्छा काम करेंगे उसका फल भी आपको कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो बुरा का परिणाम कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारे द्वारा चाहे अनचाहे भी, यानी कि जाने अनजाने किसी का बुरा ना हो, इस दिन ध्यान रखना चाहिए। और शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश या फिर आप व्यापार अथवा उद्योग लगाने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। मुंडन आदि कार्य के लिए कोई भी शुभ कार्य कर सकते, बहुत ही फलदायी माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने नाम से ही यानी कि अनुरूप शुभ फल भी प्रदान करती है। जिससे जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, इस तिथि का हर कार्य को अच्छे बना देती है। और अक्षय तृतीया पर ही सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं, साथ ही बुध का भी सूर्य के साथ मिलन होता है, तो बुधादित्य राज्यों का निर्माण भी होता है। तो हम बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करने से परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, परिवार हमेशा धन लक्ष्मी जी का आगमन परिवार में बना रहेगा और श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत फूल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की आराधना करें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान की कभी भी हानि नहीं होती और कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है और सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और इस जन्म में सुख और भोग कर अगले जन्म में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज और यानी कि गन्ने, दही का, फल का और पानी के मटके का, हाथ से जो बना है पंखे का और वस्त्र आदि का दान करने से विशेष सुख फलदायी प्राप्ति होती है, जो कभी भी नहीं खत्म होता, यानी कि अक्षय हो जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदकर घर में लाना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण इस दिन हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं है, लगभग नामुमकिन है। तो यदि ऐसे में आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कुछ और भी चीजें खरीद सकते हैं। कुछ और चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदकर घर में लाने से सुख समृद्धि आती है, और ये चीजें खरीदने से भी माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन के देवता कुबेर जी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन आप जव खरीदते हैं। जव खरीदने से सोने चांदी के जैसा ही सुफल प्राप्त होता है। इस दिन जव खरीदने के यानी बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दें और फिर आप इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करके फिर इसे अपने धन के स्थान पर रख दें, तिजोरी में रख दें, आलमारी पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। धन दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। और एक चीज और भी खरीद सकते हैं, इस दिन आप कौड़ी खरीदकर लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कौड़ी बहुत प्रिय है। अगर कौड़ी को माता लक्ष्मी जी की छोटी बहन भी माना गया है, अगर कौड़ी खरीद कर लेकर आते हैं तो कभी भी धन कमी नहीं होगा। माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, फिर अगले दिन इस कौड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर अपने पैसे रखने वाले जगह पर रख दें, आलमारी तिजोरी पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। अक्षय तृतीया पर स्त्री यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री यंत्र का आप इस दिन अभिमंत्रित कर लें, और आप चाहे तो इसका पीतल का लेकर आ सकते हैं, चांदी का लेकर आ सकते हैं, यथा संभव जैसे आपके पास सामर्थ्य हो। लेकिन आप प्लास्टिक का या फिर आप यानी कि और किसी का लेकर आए, या तो फिर पीतल का या फिर चांदी का लेकर आए तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अभिमंत्रित भी जरूर कर लें। इस दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना गया है। झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी जी कृपा हमेशा बरसती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस बार कई वर्षों के बाद महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। अक्षय तृतीया के दिन कई सारे राजयोग धनयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपको झाड़ू खरीद कर लेकर आएं और उसकी अच्छे से पूजा करें। ध्यान रखिएगा, झाड़ू लेकर आएं, उसकी पूजा करें, फिर इसके बाद अगले दिन आप पूरे घर की सफाई करें, बहुत शुभ माना गया है। इस दिन आप माता लक्ष्मी के चरण पादुका भी लेकर आ सकते हैं, जो छोटी छोटे से पैसे में मिल जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन धनिया जरूर लेकर आएं। धनिया लेकर आते हैं तो घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी खींची चली आती हैं, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, इस दिन आप बाहर से तुलसी का पौधा लेकर आएं और अपने घर में लगाएं तो कभी भी आपके ऊपर आपके घर में अमंगल नहीं होगा, बुरी नजरों से रक्षा होगी। दोस्तों, एक मटका ले लें और मटके को आप इस दिन यानी चावल भरकर 1 रुपए का सिक्का रखकर अपने घर जरूर लेकर आएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इस दिन जल लेकर आएं और साथ ही इस दिन आप जल के मटके का दान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये चीजें अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी कृपा सदैव बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।